प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपका आ चुका है नवंबर का महीना, तो आपको मैं आज के इस क्लास के माध्यम से एक सबसे बड़ा जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ कि भैया हमारा अभी तक सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है और हमारा नवंबर आ चुका है, तो नवंबर से किस तरीके से आखिरकार हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम में नवंबर से कर हम लोग टॉपर बन सके। मतलब समझ रहे हैं, यहां पर मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि आप लोग 90-95 प्लस जो है परसेंटेज लेकर आएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बच्चे अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी भी नहीं कर पाए हैं, तब भी बोर्ड एग्जाम में जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम पर आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर कंप्लीट जो है 90 दिन का जो हमारा प्लान है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और आपको पता है कि नवंबर आपका हो गया और बीच में आपका दिसंबर आएगा और जनवरी, मात्र आपके पास 3 महीने का टाइम है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, इससे ज्यादा का टाइम आपके पास नहीं है। बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है वो आपका फरवरी में होगा। तो अब फरवरी में भाई आपका होना है बोर्ड एग्जाम और हमने अभी तक पूरा पाठ्यक्रम भी कंप्लीट नहीं किया, यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन तो हमारा बिल्कुल नहीं हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक कुछ पढ़े भी नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ खास चीजें नहीं पढ़ पाए हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो अगर आपका भी इतना डाउट है तो आज के इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, सारी चीजें यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब आपके पास देखो, जैसे कि मैंने बताया कि 90 दिन का अगर टाइम है, तो इस बचे हुए 90 दिन में आपको यहां पर एक चीज करनी है जो कि प्लान के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो वर्क होता है वो दो तरीके का होता है। वर्क भाई दो तरीके का होगा, एक आपका रहता है हार्ड वर्क, जिसमें कि मान लीजिए कि जो काफी सारे छात्र रहते हैं वो भाई 7-7 घंटे, लगभग 8-8 घंटे स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी को मिला करके, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो फिर कितना आता है, परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 60-65-70% तक जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि कम समय में, यानी कि बचे हुए जो टाइम है उसमें से वो कम समय में अपना स्टडी जो कर लेते हैं और अदर चीज़ें भी कर लेते हैं, और उनका जो परसेंटेज है वो 80-85% या 90% भी या 90+ भी चला जाता है। तो कैसे होता है, किस तरीके से हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो रीजन होता है अच्छे नंबर लाने में वो होता है सेल्फ स्टडी। आप कितने भी कोचिंग कर लो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फिजिक्स का भी कोचिंग पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, मैथ का भी पढ़ रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट की आप कोचिंग कर लो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, मतलब घर में आप खुद से उन विषयों का रिविजन नहीं करते हो, तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। तो आपको स्मार्ट तरीके से करना है, क्योंकि समय कम है, 90 दिन आप समझ सकते हो बहुत ही जल्दी बीतने वाले हैं, और इस 90 दिन में आपको यही तरीका अप्लाई करना है। 4-5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे अगर आप स्टडी को दे दिए तो आपका काम हो जाने वाला है। अब देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम टेबल। मैंने बताया कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन यह कैसे होगा, तो जब आप लोग एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएंगे तभी यह सब चीजें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। इसलिए टाइम टेबल पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है, और आज के इस क्लास में मैं आपको सारे डाउट जो आपके दिमाग में आते हैं वो सब कुछ मैं क्लियर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये वाला जो हार्ड वर्क वाला पोर्शन है इसको हम हटा देते हैं। स्मार्ट वर्क में क्या क्या चीज़ें पहले शुरुआत में देखो मैनेज करनी है आपको, एक एक पॉइंट को समझिएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखो बेस्ट टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, अब आप लोग कमेंट करते हो कि जैसे मैंने बताया कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, तो आप बोलोगे भैया टाइम टेबल आप बनाकर एक वीडियो में बना दो, तो ऐसा देखो नहीं होता है, क्योंकि हर एक छात्र का अपना एक अलग टाइम होता है। कोई मान लो कि रात में पढ़ रहा है, कोई सुबह को पढ़ रहा है, कोई दोपहर को पढ़ रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ जो है फॉलो करनी है, वो ये है कि सबसे पहले बात तो देखो आपको सिलेबस तो कवर करना ही है ना, क्योंकि सिलेबस नहीं कवर करोगे तो फिर आपका परसेंटेज तो भूल ही जाओ, फिर तो पास होने के लिए भी आपको मुश्किल हो जाती है। तो सिलेबस देखो आपको अब अपने से कवर करना है। आप ये मत सोचो कि स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अगर सही से कर रहे होंगे तो सिलेबस जरूर कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, तो आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात, सबसे पहली देखो पेपर जो आपका होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको पता है कि शुरुआत का पोर्शन होता है, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको करना क्या है, ऑल सब्जेक्ट, जी हां, सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पहले जो है इसको कवर करना है। अब ये कैसे कवर होंगे,
तो देखो आप लोग एक छोटी सी कॉपी बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर शुरू में गलत हो गया तो फिर आपका कॉपी जो है ना बिल्कुल वहाँ से ख़राब हो जाता है। तो ये ना हो तो मैं बता रहा हूँ कि 90 दिन का आपके पास टाइम है, और अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी नोट्स बना लेते हैं तो उसमें एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन लिखते जाएंगे तो आपके 90 दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, समझ लीजिए कि उतना आपके बुक में क्वेश्चन भी नहीं होगा जितना आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, और एक छोटा सा नोट्स जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि जैसे नोट्स आप नहीं बनाएंगे ना तो एग्ज़ाम टाइम पर आपको वही चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। क्योंकि आप देखिएगा तो आपको जो एग्ज़ाम का जो समय होता है, जैसे मान लो कि आपका जनवरी बीत रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका जनवरी बीत रहा है और एग्ज़ाम आ गया, तो फिर क्या आप लोग बुक उठा करके पढ़ाई करेंगे? बिल्कुल बोलेंगे नहीं करेंगे। तो फिर क्या चीज आपके काम आएगी? तो फिर आपके पास यही शॉर्ट नोट्स और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक रहती हैं उन्हीं से आप लोग बोर्ड एग्जाम की स्टडी करेंगे, और आपके मोबाइल में जो मटेरियल रहता है या बोले तो यूट्यूब से जहां से भी आप पाएंगे वहां से फिर आप लोग हड़बड़ाहट में ये सारी चीजें करते हैं। बाकी आपको देखो एक चीज अभी से करके चलनी है, वो है आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल का ऐसा कुछ खास पोर्शन नहीं होता है कि आप जल्दी से रट लो, इसलिए न्यूमेरिकल को मैं आपको जैसे चैनल पर करा रहा हूँ रेगुलर, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्लासें मिल रही हैं उनको आप डेली बेसिस पर करते जाओ, क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आएगा इसमें लगभग 45% यानी कि पूरे पेपर में 45% जो हिस्सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से बनता है, इसलिए न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इन दो सब्जेक्ट का। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग न्यूमेरिकल की रिविजन तो अभी से नहीं, मतलब रिवीजन जल्दी नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी से आप लोग लगाते जाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न वाला ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर जब आप लोग सूत्रों को तैयार करोगे, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो मतलब बोले डेली बेसिस पर जैसे आप लोग एक दिन में एक टारगेट रख लो कि मुझे एक दिन में 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं फर्स्ट चैप्टर से, उसके बाद अगले चैप्टर पर 3 न्यूमेरिकल, अगले चैप्टर पर 3 न्यूमेरिकल, ऐसे एक एक दिन का आप लोग जो है रूटीन बना लो, और जब ये रूटीन आपका बना रहेगा तो आप आराम से इन सब्जेक्टों में महारत हासिल कर लोगे, यानी कि आप अच्छे नंबर लाने के काबिल बन जाओगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद आपका एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे कहते हैं कि हमारी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी नहीं हुई है, तो हिंदी और इंग्लिश के ऊपर मैं एक चीज सबसे बड़ी यहां पर बताने वाला हूं, जो कि आप लोग इन बचे हुए टाइम पर कर सकते हो, और आपको भी पता है कि भाई जो हिंदी होता है, फिर यहां पर हिंदी दोनों को लेकर चलेंगे, चाहे सामान्य हिंदी वाले छात्रों या साहित्य हिंदी या कुछ भी, ऐसा आप लोग डाउट में मत रहिएगा। तो हिंदी की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको चीजें बताता हूं, और फिर इंग्लिश की भी बात करते हैं। देखो ये जो सब्जेक्ट होंगे इनमें कोई आपको प्रैक्टिकल तो मिलेगा नहीं, 100-100 नंबर का इनमें पूरा आपका पेपर रहेगा, पूरा 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का ये जो पेपर रहता है इनमें। और इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों को टारगेट करना है जो कि ज़्यादा नंबर के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपका गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, जीवन परिचय हो गया। अब ये कितने नंबर में आते हैं, 12th हिंदी में हम बात कर ले तो भाई 10 नंबर का तो आपका गद्यांश रहता है, 10 का पद्यांश हो गया, 10 नंबर कवि और लेखक जीवन परिचय, टोटल कितने हुए 30 नंबर इन्हीं 3 से 4 टॉपिक में कवर हो गए। तो ये देखो लॉन्ग वाले जो टॉपिक रहते हैं उनको ज़्यादा से आपको फोकस करके चलना है। फिर ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आता है, तो मेरे कहने का मतलब है जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा जल्दी आपको कवर करने का प्रयास करना है, पहले से तैयार करके रखिए। पत्र लेखन हो गया, ये भी मैंने बताया कि 6 नंबर का जो ये पत्र लेखन है, 9 नंबर का निबंध है, निबंध के लिए आप लोग सोचते हैं कि भैया निबंध तो हमें लिखना आता है लेकिन जब लिखने जाओगे तब दिमाग में बातें ही नहीं आती हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं मैं आपको जो बड़े बड़े टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्कोर कराएंगे आपके, अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। शुरुआत से प्रैक्टिस करते जाना है लिखने का, जो मतलब आप लोग लिखने का भी प्रयास किया करो, जिससे कि मतलब जो आपकी हैंड राइटिंग है उसमें सुधार आएगा और बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी अच्छी रहेगी। इंग्लिश में आप लोग यही जैसे कि बड़े बड़े टॉपिक हैं, पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज जो कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का आता है, आर्टिकल लेटर ये सब 10 नंबर के यानी कि 20 नंबर यहाँ से हो गया, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर सोचो कि पूरी बुक से क्वेश्चन हम लोग पूरे के पूरे तैयार कर लें वो चीज़ नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब मैं आपसे यही कहूँगा कि जो हमारा बचा हुआ 90 दिन है ना, इन 90 दिनों में अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस आप लोग हर एक क्वेश्चन को कवर करो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं मतलब इंपॉर्टेंट की सीरीज में वही
जाते हैं जैसे कि मैं चैनल पर जो प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखते जाओ, है ना, नोट्स के अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड ही करा रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं वो नंबर मिल जाएगा तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। तो वो नोट्स के अंतर्गत आपको जो पेपर है उनको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आइडिया आएगा कि आखिरकार हम लोग किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पेपर को सॉल्व करेंगे। बाकी चैनल पर भी मैं पेपर ला रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आराम से जो है हो जाती हैं। बाकी आपको एक जो सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ वो होती है ये कि कमज़ोर जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट अच्छा है वो तो भाई अच्छा रहेगा ही। हम लोग अगर मान लो आपके पास पाँच सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल पाँच सब्जेक्ट हैं, और इन पांच सब्जेक्टों में आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को एक घंटे का जैसे समय देते हो, कितने, एक घंटे का, तो मान लो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है डेढ़ डेढ़ घंटे का समय दे दिया, क्योंकि मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर कि ये दो सब्जेक्ट जो हैं ये हमारे क्या हैं, वीक हैं, ठीक है, कमज़ोर हैं, तो इनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय दे देंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश को अगर हम लोग हमारा अगर अच्छा है तो हम उसको एक घंटे की बजाय 40 मिनट ही पढ़ लेंगे तो वो हमारा बेहतर रहेगा, और वही समय आप लोग इनको थोड़ा ज़्यादा दे दो, क्योंकि इनमें आपको पता है कि जैसे व्यंजक को बात कर लें हम लोग यहाँ पर, है ना, डेरिवेशन की बात कर लें, न्यूमेरिकल की बात कर लें, और केमिस्ट्री में रिएक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पर प्रयोगशाला विधियाँ हो गई, ये सब पोर्शन को छांट छांट करके मैं चैनल पर लाता हूँ, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग फोकस करो, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग सोचो ना कि हम लोग मात्र 15 दिन में कर लेंगे, जिस तरीके से हिंदी को आप लोग कवर कर लेते हो मात्र 10 से 15 दिन में एग्जाम टाइम पर, वैसा इनको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ऐसा सिलेबस होता है कि जो घुमा फिरा करके आप लोग अगर सोचोगे तो आपका दिमाग जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो आप लोग सोच रहे हो ना जो कि 15 दिन एग्जाम के हमारे लिए काफ़ी हैं, वो इन दो सब्जेक्टों के लिए बिल्कुल लागू नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में रिवीजन कर पाओगे उन चीज़ों का जो चीज़ें आपको पहले से तैयार होंगी, तो इसलिए 90 दिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और अगर मैथ है आपका मैथ पर, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप लोग 40-40 मिनट, मैंने जैसे कि बताया कि आप लोग 40 से 50 मिनट अदर सब्जेक्ट को भी देना शुरू कर दो, ठीक है, ये चीज़ कर लोगे। स्कूल और कोचिंग में भैया क्या करना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डेली क्या स्कूल जाएं या डेली स्कूल नहीं जाएं, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा कवर करना चाहूँगा। तो देखो स्कूल और कोचिंग का सीन कुछ ऐसा रहता है, जैसे मान लो कोई ऐसा भी स्कूल होगा जहाँ पर आपको, मान लीजिए कि आपकी पांच सब्जेक्ट हैं और उन पांच सब्जेक्टों में आपको सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी और आपका इंग्लिश, ठीक है, तो अब काफ़ी सारे बच्चे इस हिंदी इंग्लिश की तो कोचिंग बहुत सारे बच्चे करते नहीं, तो वो सोचते हैं कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग से कर ली और इन दो सब्जेक्टों को हम स्कूल से कर लेते हैं। तो भैया अगर आपका स्कूल आपका टाइम वेस्ट वहाँ पर ज़्यादा होता है तो अब आपको करना क्या है, वो जो स्कूल का टाइम है वो सेल्फ स्टडी पर दे दो, मतलब कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, एग्जाम जैसे नज़दीक आते जाते हैं उतना वैसे वैसे आपका प्रैक्टिकल ही कराया जाता है, बाकी कुछ चीज़ें होती हैं स्कूल का जो काम हो, यानी कि जब अर्जेंट काम हो तब आप लोग जाओ, बाकी डेली बेसिस पर स्कूल आपको नहीं जाना, ये भी मैं कहूंगा। अगर आपका अच्छे से सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया गया या पढ़ाया नहीं जाता है, टाइम वेस्ट कराया जाता है, तो फिर ये तब के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको डेली जो है स्कूल नहीं जाना, बाकी कोचिंग तो आपको करना ही है एग्जाम तक, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा जैसे आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जो चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं उनको डाउट क्लियर के लिए आप लोग कोचिंग जाइए, फिर अपने कोचिंग पर जो हमारे टीचर होते हैं उनसे क्या करिए, डाउट क्लियर करिए, फिजिक्स का हो गया अपने दोस्तों के साथ भी डाउट को शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा कंपटीशन लेवल से तैयारी होती है, मतलब एक दूसरे से कंपटीशन के तौर पर तैयारी करिए। तो ये जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यही तीन सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप लोग जो इनमें डाउट को अपने जो है रख सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो स्कूल और कोचिंग का मतलब आप समझ गए, स्कूल में आपको मतलब यही चीज़ें करनी है, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो जाओ, वरना टाइम वेस्ट करने मत जाओ, वही टाइम आप लोग खुद से घर में जो है सेल्फ स्टडी में दो, और कोचिंग को आप लोग एक दो घंटे का जो टाइम है वो निकाल कर दे दो, बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस अब आपको करना है। यही कहूँगा कि आप लोग 7 से 8 घंटे ना पढ़ के अगर 5 से 6 घंटे या 5 घंटे ही अगर पढ़ाई को दे दिए तो भी आपके लिए वो बेहतर टाइम होने वाला है। इसके अलावा भाई टाइम को बर्बाद नहीं करना, कैसे, जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं, भाई आपका अभी मान लो 10th 12th चल रहा है तो फेसबुक इंस्टा व्हाट्सअप स्नैप ये सब चीज़ें आप लोग जो है 3 महीने का यार बात है 90 दिन का मात्र, उसके बाद मतलब 90 दिन आप ये मान लो कि हम लोग चैलेंज लेकर चल रहे हैं, जैसे कि एक चैलेंज होता है ना कि हमें इतने जो है टाइम तक ये चीज़ें नहीं करनी, तो आप लोग अपने आप को एक चैलेंज दो कि 90 दिन तक ये चीज़ें नहीं करनी, घूमना फिरना अनावश्यक तरीके से दोस्तों के साथ चले गए,
कुछ काम भी नहीं है फिर भी जा रहे हो, है ना, ये सब चीज़ें नहीं करना। सोने का टाइम है 8 से 9 घंटे का जो टाइम दे रहे हो उसको आप थोड़ा सा कम करके 5 घंटे कर दो, है ना, 5 घंटे लगभग, 6 घंटे, 6 घंटे की नींद लेना है, ठीक है, 1 घंटे इधर उधर जो है कवर करते हुए चलना है। और टाइम टेबल का पालन ना करना ये भी सबसे बड़ी बात है, तो इसको ना को हटा करके आपको टाइम टेबल बना करके उसका डेली बेसिस पर पालन करना है, एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करनी। और अंतिम दिनों में पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको ऑल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि नोट्स के बेसिक बेसिस पर मैंने बताया, नोट्स आप ले सकते हो, नोट्स से या तो आप बना लेना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो वो आप लोग ऑल सब्जेक्ट का कर लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं जैसे कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल करोगे, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करोगे, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, है ना, वो आपको फार्मूले जो है एक सीट बना लेनी है, एक छोटी सी बुक जो है ना कॉपी, है ना, उसमें फार्मूले ही फार्मूले रखो और उनको सारे फार्मूले एक तरफ से तैयार कर डालो। चैनल पर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस तरीके से। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2024 के सेट हो गए, 23 के सेट हो गए, 22 के सेट हो गए, इनको लगभग 3 वर्षों के अगर आप कर लोगे तो आप आराम से 90% प्लस लाने के काबिल बन जाओगे, इतना तो मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना, ये अगर आप 3 वर्षों कर लेते हो। शॉर्ट नोट्स से तैयारी करोगे तो वो तो आपका रिवीजन के अंतर्गत आता ही आता है। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये सारा मटेरियल जितना भी आपको 15 मिनट में मैंने 16 मिनट बता दिया, अगर आप लोग इतना फॉलो कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में नवंबर से पढ़कर आराम से आप लोग 95+ और 90+ स्कोर कर दोगे। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी मैं यहाँ पर डेली आपको क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।